दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, स्पेशल सेशन आज दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया था। आपको बता दें, जोरदार हंगामा हुआ विधानसभा के भीतर, और सीधे सुनते हैं क्या कुछ कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सदन के भीतर से। लेकिन मैं इस बात पे गर्व महसूस कर ही रहा था, खुशी महसूस कर ही रहा था कि 5 मिनट बाद ही ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, और वो आ गए तब तक ऑफिसर सीबीआई के, अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पड़ रहा था कि अच्छे स्कूल रखे। तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। गलती तो वैसे यही थी कि इतना अच्छा काम कर दिया कि देश और दुनिया में तारीफ होने लगी दिल्ली की, दिल्ली के काम की, केजरीवाल जी के काम की। लेकिन फिर भी वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पर दबाव में काम करती रही है, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहां कहावत है धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन सब पे सोर्स 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 सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, सोशल सर्किल में हूं, सरकार में हूं, थोड़ा बहुत कानूनी जानकारियां पढ़ता रहा हूं। पहली बार देखा कि मैंने कोई सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई हो किसी मंत्री के, किसी आदमी के खिलाफ। क्राइम होता है तो क्राइम बताया जाता है, भाई आपके ऊपर ये आरोप है आपने ये मर्डर किया, आपके ऊपर आरोप है आपने ये यहां से ये बॉटल चुराई, आपने ये पेन चुराया, कुछ भी आरोप हो सकता है, पर आरोप है। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने पेन चुराया, सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने एक बोतल चुराई, इस तरह के आरोपों की एक एफआईआर। बहरहाल अतिथि देवो भव, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करते हुए मैंने कहा भाई कर लो सर्च, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं तो डरता नहीं। तो उन्होंने घर का कोना कोना छाना, चारों तरफ वो देखे, उन्होंने बेडरूम से लेके तकिया गद्दे चादर बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है, कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, दीवारें विवारें सब देख के, अलमीरा के पीछे आगे सब देख के, कहीं लकड़ी के पीछे तो कुछ नहीं कर रखा है, उनका काम है, सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको एक पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मुझे एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। ढूंढते रहे, फोन पे इंस्ट्रक्शन लेते रहे, ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अंत पंत में कुछ सरकारी फाइलों के कागज रखे थे, सरकारी फाइलों के, वो सरकारी फाइलों से भी मेरे दफ्तर में भी रेड की उसी समय, जन्माष्टमी के दिन सचिवालय बंद था वहां भी रेड की, वहां से भी वो फाइलें उठा के ले गए। एक आध फाइल मेरे घर पे रखी थी उसको ले गए, फिर बोले जी आपका कंप्यूटर भी ले जाएंगे, फिर बोला आपका फोन भी ले जाएंगे, फिर बोले जी आपका फोन ब्लॉक भी करेंगे, आप यूज मत करना इसको। तो एनीवे अभी मैं तो, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास में, वो फोन नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो वो ले गए। तो मैं ये आज इस सदन के समक्ष मैं अपनी ये रेड वाली कहानी बताने नहीं आया, उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है मनीष सिसोदिया के, रेड कर लो एक बार नहीं 100 बार कर लो, पहले भी की थी कुछ नहीं निकला, और आज भी कह रहा हूं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ, 1000 और रेड कर लोगे कुछ नहीं निकलेगा मेरे को। ईमानदारी से काम करता आया हूं, एक पैसे की बेईमानी नहीं की। ये जरूर है कि सुबह उठ के स्कूलों में चला जाता था, स्कूल बनवाए हैं टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दिल्ली में पढ़ाई का माहौल बनाया है, अरविंद केजरीवाल जी से मार्गदर्शन ले लेके कि एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाई जाए, दिल्ली की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया है। वो अगर गुनाह है तो उसकी सजा जो भी होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। एक पैसे की बेईमानी मैंने नहीं की है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और फर्जी एफआईआर है, टोटल धूल में लठ चला रहे हैं बिल्कुल।
2000 अब ये जो दुनिया असली वजह तो ये है कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। अब आज अगर तारीफ हो रही है तो ये भी अच्छा काम कर लेते, इनकी इतनी सारी सरकारें। और मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं कि एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुनती है, अब हमारा काम करेगी, तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है सीरियल किलर एक के बाद। तो वैसे करते हैं, जितनी मेहनत इसमें लगाते हो उससे कम मेहनत में अस्पताल बन जाते हैं, उससे कम मेहनत में लोगों का इलाज हो जाता है, उससे कम मेहनत में बच्चे पढ़ जाते हैं। पर उधर तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान यह है कि सरकारें कैसे गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाएं। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की दुनिया में तारीफ हो रही है, उनकी सरकार की काम की दुनिया में तारीफ हो रही है, तो फर्जी नहीं हो रही तुम्हारी एफआईआर की तरह। एफआईआर फर्जी है, तारीफ सच्ची है। जो अरविंद केजरीवाल जी के काम की तारीफ हो रही है सारी दुनिया में, वो सच्ची हो रही है।